सर बहुत ही ऑथेंटिक डाटा है कि पूरी दुनिया में सब में ज्यादा उर्दू स्कूल महाराष्ट्र में है और सब में ज्यादा उर्दू बोलने वाले भी महाराष्ट्र में हैं। इस देश की हमारे देश की बहुत सारी रियासतों ने, वेस्ट बंगाल ने, उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने उर्दू को सेकंड सरकारी जुबान का दर्जा दिया है। मैं विनती करता हूं सभी उर्दू वालों की ओर से कि आप महाराष्ट्र में इस गवर्नमेंट के अंडर में जल्द से जल्द उर्दू को सेकंड सरकारी लैंग्वेज का दर्जा दें। ये हम पर, उर्दू वालों पर और पूरी दुनिया के उर्दू बोलने वालों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। धन्यवाद। और इसके लिए क्या कोशिश हो रही है प्लीज बताइए। आपका ये सुझाव है, मैं मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के तहत ये सब विषय आते हैं उसकी जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात सही है कि उर्दू भाषा का एक अलग तजुर्बा होता है, उर्दू भाषा का एक अलग, कई बार मैं उर्दू भाषा की अलग भाषाओं से जब तुलना करता हूं तो कई उर्दू के शब्द ऐसे बंदर लगते हैं जैसे हिंदी में कहा निकल जा तो जिसको निकल जाओ कहा वो दो तीन बार वापस अंदर आके फिरते हैं पक्का निकलो क्या, और उर्दू में कहा दबा होगा तो फटे से दबा होगा। ये जो शब्दों में जोर है, शब्दों उर्दू शब्दों में पूरी भावना है, मुझे लगता है कि उस भावना के कारण उर्दू भाषा ये और प्यारी और लोगों को लगती है। और इससे मुझे भाषा कौन सी दूसरी हो कौन सी तीसरी हो सभी भाषा तो अपनी है। आपने जो सुझाव दिया है इसकी चर्चा मैं जरूर करूंगा क्योंकि ये विषय सवाल का केंद्र का होता है।